नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम न्यू ट्रैक बनाना सीखते हैं। ये नया ट्रैक कैसे बनाया, जैसे आपके पास कोई डम्मी आया है या फिर सिंगर ने आपको डम्मी दिया है या फिर आपने उसका डम्मी रिकॉर्ड किया, तो उसका टेम्पो कैसे पता करेंगे और उसका न्यू रिदम हम लोग कैसे बनाएंगे मिक्स रिदम से, वेस्टर्न से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वेस्टर्न के बारे में, क्योंकि वेस्टर्न में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, सोचा इस बार वेस्टर्न पर वीडियो बनाया जाए। एक नया ट्रैक कैसे बनाया जाए, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट फिर अगले 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगा कीबोर्ड के साथ, जिसमें हम रिदम बनाना समझेंगे कि रिदम हम लोग कैसे बनाएं और डमी जो हमने लिया है उसका टेम्पो कैसे चेक करें या फिर टेम्पो पर डमी कैसे लेंगे, सब चीज़ के बारे में आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। चलिए आप देखिए, जैसे मेरे पास एक डमी आया हुआ है, उसका टेम्पो अभी आपके सामने हम लोग चेक करेंगे कैसे उसका टेम्पो चेक होगा। जैसे ये डमी है, ध्यान से सुनिएगा। सुख करता दुख हरता, दुखियों के पालन करता, राम दुलारे माता सीता के प्यारे तेरे, आगे ना दुश्मन की एक चली। ठीक है, भक्ति सॉन्ग है, ठीक है, इसको यानी भजन है ये, इसको हम कैसे नया ट्रैक बनाए वेस्टर्न में, ठीक है, इसका टेम्पो कितना है, ये सब चीज देखना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका डमी हम लोग क्यूबेस में लेते हैं, यहाँ से हम लोग फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, वही जो पुराना है हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट, ओके। अब यह क्या करना है, इस डमी को हम क्यूबेस में ड्रॉप कर देंगे, जो डमी है इसको क्यूबेस में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब ये डमी मेरा किस टेम्पो में, ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आप किसका चेक कैसे करेंगे। अभी देखिए फिलहाल मेरा टेम्पो कितना है, 120 टेम्पो है। अब इसको हम चेक करेंगे कैसे, अब यहां से हम लोग प्ले करेंगे, स्नैप ऑन करते हैं, स्नैप ऑन कर दीजिएगा। सुख करता दुख हरता, ट्रैक बनाने बताएंगे इस वीडियो में, देखते रहिएगा ध्यान से, स्किप मत कीजिए, एक स्किप कीजिएगा एक पॉइंट छूट जाएगा तो फिर आपको काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, क्लिक के साथ साथ वोकल भी अटैच करना आना चाहिए, क्लिक के साथ वोकल भी मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 बार 10 बार 20 बार कीजिएगा तो ये इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मैच करना आपको आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आकर सीखना चाहते हैं तो रहकर भी है मेरे पास सीख सकते हैं, रहने का व्यवस्था सब कुछ है। और अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, साथ में आपको 150 GB तक डाटा फ्री दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर पेन ड्राइव चाहते हैं, 80 GB का डाटा चाहते हैं पेन ड्राइव में, तो आप मुझे कॉल कर सकें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसी पेन ड्राइव से मैं आज ये नया म्यूजिक तैयार करने वाला हूँ, उसी पेन ड्राइव के उसी डाटा से, ठीक है। और वो बहुत बढ़िया डाटा, अगर नया स्टूडियो खोल रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया डाटा है, वो बहुत कम प्राइस में है। आइए उसके, अगर लेना चाहते हैं उसको, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी क्लिक मेरा स्लो चल रहा है, क्लिक को और फास्ट करेंगे, यहाँ से टेम्पो फास्ट करेंगे, 130 करते हैं। दुख हरता करता, दुख हरता, दुखियों के पालन करता, यानी वोकल मेरा फास्ट है, क्लिक मेरा स्लो जा रहा था, और फास्ट करेंगे इसको, 134 करके देखते हैं। सुख करता दुख हरता, दुखियों के पालन करता, लगभग लगभग पहुंच रहे हैं, 135 करके देखते हैं। करता दुख हरता, करता दुख हरता, 136 करके देखते हैं। सुख करता दुख हरता, दुखियों के पालन करता, दुख करता दुख हर, यानी ये टेम्पो है 136, यानी 136 टेम्पो में ये भजन का डम्मी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हम आगे कर लेंगे, स्नैप ऑन रखना है, बस इसको हम लोग आगे कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट गिर रहा है क्लिक पर, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोग अब रिदम लेते हैं, ठीक है। रिदम लेने के लिए हम 80 GB वाला डाटा लेते हैं, इसमें 80 GB है, ये दोनों पूरा 80 GB का ही डाटा है। अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल चीज़ VST प्लगइन्स सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिदम है,
सॉफ्टवेयर इतना प्लगइन्स लेकिन से काफ़ी चीज़ है इसके अंदर, और VST भी बहुत कुछ है, देखिए इतना सब कुछ VST है, इतना बहुत VST है इसके अंदर भी, VST है पूरा लाइन भरा पड़ा है। MIDI के लिए काफ़ी कुछ है, MIDI के लिए, रिदम के लिए सॉफ्ट प्लगइन्स, वेब बंडल सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। ये आ गया आपका, हम लोग रिदम निकालते हैं इसमें से, 136 था तो 136 का रिदम निकालेंगे हम, मान के चलिए कोई भी सब खोजना पड़ेगा आपको, तो 135 से 136 नहीं तो 135 सुनते हैं, चाहे 140 चाहे 130, किसी में से उसको 136 बनाना है। टेम्पो कैसे बढ़ाएं घटाएं ABC वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग 135 हम देखते हैं, 135 में देखते हैं, वेस्टर्न में देखते हैं हम। मगर ये 134 ही है, अब इसको 136 कैसे करेंगे, अब देखिए 136 करने का आसान तरीका, जिनको पता है धन्यवाद, जिनको नहीं पता है मैं उनको सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जिनको नहीं नॉलेज है, जो सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाता हूँ, जिनको पता है प्लीज़ वो अपना साइलेंट रहें, देखना वीडियो देखिए, नहीं देखना कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनको सिखाता हूँ जो सीखना चाहते हैं। अब उस ट्रैक को FL स्टूडियो में हम लोग डाल देते हैं, FL स्टूडियो में ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करने के बाद इसमें जो ये जो डॉट है दिखा रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ये जो डॉट है, ये वाला डॉट, ये जो निशान बना हुआ है एरो टाइप का, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यानी इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे जो निशान बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये जो यहाँ पे कितना है 130, तो इसको हम कर देंगे 136, यानी इसको 136 कर देंगे, जितना में आपको करना है उतना में वहाँ 136 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो कर दीजिए, यानी 34 से 136 बजा के फिट हो जाएगा, 75 से 150, ये आपका सेट हो गया, 136 पर सेट हो गया। अब इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लीजिए, आप वेव में एक्सपोर्ट कर लीजिए, आप डाउनलोड में रख लीजिए, जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए इसको, जो भी नाम देना चाहते हैं उससे बोलिए, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। हम इसमें डाउनलोड में से निकाल लेंगे, डाउनलोड मैंने सेंड कर दिया था, डाउनलोड में ये आ गया आपका, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे क्यूबेस में, यानी 134 को मैंने 136 बना लिया है, ठीक है। आप इसको देखना इसमें करना क्या है, पहला पार्ट ये तो मेरा हो जाएगा MIDI फर्स्ट इंट्रो संख के साथ में, ठीक है, दो पार्ट ही लूँगा मैं संख के साथ में। उसके बाद तीन पार्ट चार पार्ट मेरा बजेगा, एक रिदम देखिएगा या चेंज होकर दूसरा पार्ट बज जाएगा MIDI का, इसमें दूसरा पार्ट बजेगा MIDI का, ध्यान समझिएगा सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। एक ये पार्ट बज गया और दूसरा पार्ट बजेगा मेरा यहाँ से MIDI का, चार पार्ट, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 जो लाइनिंग है ना, ये वन पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया, चार पार्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से पार्ट खत्म होगा, जैसे ये पार्ट खत्म हो जैसे सॉन्ग शुरू होगा, ठीक है, सॉन्ग शुरू हुआ। अब ये सॉन्ग तो मेरा 136 पर सेट है, अब मेरा ट्रैक भी 136 पर पूरा सेट हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वोकल को रिदम के पास रखेंगे, जहाँ से ख़त्म करना है वहाँ से वोकल शुरू होगा, ये रिदम आगे चला गया फर्स्ट वाले, इसको हम लोग पीछे कर लेंगे, दुखियों के पालन करता, सुख करता, दुख हरता, दुखियों के पालन करता, राम दुलारे माता सीता के प्यारे तेरे, आगे ना दुश्मन की एक चली, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं इस रिदम को, इस रिदम पार्ट को, तो एक पार्ट आप यहां से बढ़ा सकते हैं, आगे ना दुश्मन की एक चली, इसको चाहे आप रिपीट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ध्यान से सुनिए, आगे ना दुश्मन की एक चली, एक चली, जय 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 बजरंग, इसको आगे कर दीजिए आप,
ठीक समझ गए, ये रिपीट आ गया। फिर यहाँ से हम लोग दो कीबोर्ड प्ले करेंगे, यहाँ से दो पार्ट कीबोर्ड के, एक ये एक ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना जो भी आप कीबोर्ड प्ले करेंगे वो आप अपने दिमाग से, चाहे आपका जो कीबोर्डिस्ट होगा वो अपने दिमाग से यहाँ प्ले करेगा। ठीक है, कट के साथ आ गया। अब यहाँ पे दो पार्ट यहाँ भी बजेगा, बिल्कुल इसी का दो पार्ट यहाँ बजेगा मिडी, फिर यहाँ पे दो पार्ट मिडी आप बजा सकते हैं। यहाँ पे रिदम चेंज हो रहा है, तो इस रिदम को हम लोग बढ़ा लेंगे, यहाँ पे रिदम आगे चेंज होना चाहिए। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अब यहाँ रिदम चेंज हो गया, तो यहाँ से हम लोग फिर कीबोर्ड चार पार्ट बजाएंगे। ठीक है, यानी मिडी चार पार्ट बजाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग मिडी चार पार्ट बजाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ मिडी चार पार्ट जब दोनों चार चार बजेगा तो यहाँ रिदम चेंज हो रहा है, ये रिदम चार बाय चार में ही बनाते हैं लोग। रिदम चेंज हो गया, अब इसके बाद अंतरा आ जाएगा आपका। अगर आप चार तीन पार्ट बजाएं, इसमें तीन पार्ट दिया हुआ है मिडी का, तो आप तीन पार्ट बजा लीजिए। ये लीजिए चार यहाँ। अभी देखिए, तीन बार मिडी बज गया, एक ये बजा मिडी दूसरे फ्लेवर में, दूसरा ये बजा मिडी और तीसरा ये बजाएं, जब चार चार पार्ट, तीनों मीडिया आपका चार चार पार्ट बजेगा ये। ठीक है, तो इसके बाद आप जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ से बंदरा शुरू हो जाएगा। अब इसका रिपीट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ भी आपका मिडी प्ले हो जाएगा, यहाँ भी आपका मिडी प्ले होगा, दो पार्ट यहाँ भी मिडी प्ले होगा। रिदम चेंज हो गया, पूरा रिदम में बिल्कुल सेम ही चलेगा आपका। समझ में आया आपको, काट काट के आप एक बार लगा लेना, जहाँ आपको एडजस्ट लगे, जहाँ आपको पसंद पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से फिर यहाँ दो पार्ट आपका मिडी पर प्ले होगा, इसको हम और बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक, फिर यहाँ दो पार्ट यहाँ ब्लैंक जा रहे हैं, यहाँ दो पार्ट जिस हिसाब से सिंगर ने डमी दिया उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दो पार्ट यहाँ बच जाएगा। तो एक पार्ट आप यहाँ बढ़ा सकेंगे, आप जय 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 बजरंग बली। ठीक, ये आपका डम्मी का रिदम तैयार हो गया। अब इसमें मिडी करना है। ठीक, इसका मिडी कैसे करें देखिए, नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं इसका मिडी कैसे करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें लाइव बताएंगे, लाइव दिखाएंगे कि मिडी कैसे प्ले कर रहे हैं, इसमें मिडी कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मिडी को मिक्स कैसे करते हैं, ये टोटल चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको एक से एक वीडियो देखने को मिले। इस टाइप का वीडियो आपको पूरे चैनल में नहीं होगा, यूट्यूब पर मेरे चैनल मिल जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया मैं सिखाता, ऐसा नहीं है, कोशिश करता हूँ कि सबसे बढ़िया मैं आपको सिखा सकूँ आप सभी को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।